तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। बहुत दिन बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, बहुत दिन बाद। पता नहीं, मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। इस वजह से मेरा मूड ख़त्म हो गया रिकॉर्ड करने के लिए। इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। सोचा कि आज एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ का वेदर बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है। यहाँ पर नदी सूख चुका है पूरा। नदी में पानी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है, पूरा नदी सूख चुका है। ये देखिए, खेती बाड़ी अब कैसे होगा पता नहीं। बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत है यहाँ पर। टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। 43-44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, दिखा रहा है कितना ज़्यादा धूप हो रहा है। यहाँ पर पानी है ही नहीं खेत में। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हो गया नदी यहाँ पर, वो आप लोगों को पूरा ये वाला ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखते रहिए, मिस मत कीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे कैसे लगा वीडियो, उसी तरह मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, उसी तरह कंटेंट आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखना चाहते हैं आप लोग तो वही रिकॉर्ड करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नदी। पीछे दिखाई दे रहा है कितना सफ़ेद सफ़ेद हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। मैं तो छाया में हूँ अभी, देखिए जंगल में, फिर भी मुझे गर्मी लग रहा है। सोचो कितना गर्मी है यहाँ पर, गमछा लेके घूमना पड़ता है बस ना पहुँचने के लिए ऐसा करके। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर भी, कैसे हो गया नदी, नदी में जा रहा हूँ अभी। तो दिखाई दे रहा है कैसे हो गया नदी। ये बहुत पानी था, यहाँ तक पानी था, वहाँ तक यहाँ तक, अभी पानी नहीं है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है ना, यहाँ पर सूख गया है पूरा पानी। सिर्फ यही वाला पानी है जो खेत में दे रहा है, यहाँ से पंप लगा के खेत में। वहाँ पर जाऊँगा कैसे हो गया नदी, बना रही है वीडियो में, दिखाता हूँ फुल। मेरा जो पुराना फैन है, ठीक है, अब मेरा ब्लॉग जो डेली देखता है, उन लोगों को मालूम होगा कितना पानी था यहाँ पर नदी में, अभी कैसा हो गया। जो नया है उसको तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मेरा पुराना जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, तो समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर हमारा यहाँ का जो पम्प है जो नदी में पानी खींच के खेत में देता था, वो अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत झगड़ा हो गया था, इस वजह से बंद है। क्योंकि नदी में पानी भी नहीं है, सबका पानी लगेगा खेत में, दिखाई दे रहा है सब बंद है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैं जाऊँगा नीचे, ये जो लकड़ी आप लोग देख रहा है ये नीचे था, क्योंकि यहाँ पर नदी में जो मछली होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये दिया था। पानी है ही नहीं, इसको उठा लिया है, जो मछली था नदी में उसको उन लोग कैच कर लिया है, पकड़ लिया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हो गया नदी का कंडीशन यहाँ पर, वही पर जा रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सूख गया है पूरा, जमीन धस गया है, लैंडस्लाइड हो गया है। बहुत हवा बह रहा है आज, बहुत आराम लग रहा है, कि बहुत धूप हो रहा था ना कल, इतना ज़्यादा धूप हो रहा था, सोचो मान हालात बहुत सबका ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा धूप हो रहा था कल। आज तो हवा बह रहा है, आराम लग रहा है आज, दिखा दे रहा है मेरा मुँह काला काला हो गया है धूप में, ऑयली ऑयली हो गया। ये देखिए कितना डीप है, यहाँ से वहाँ तक इतना ज़्यादा, यहाँ तक पानी था, अभी देखो सूख गया है पूरा पानी। ये पानी नहीं सूखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चश्मा है वहाँ से पानी उठ रहा है, इस वजह से यह नहीं सूखेगा। पंप से पूरा दिन में जितना पानी खेत में उठा के दे रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर जमा हो रहा है, क्योंकि बहुत चश्मा है यहाँ पर। तो गाइस देखो मेरा पीछे कितना ज़मीन धस गया है, दिखाई दे रहा है पूरा लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पर, कैसे हो गया है पूरा ज़मीन लैंडस्लाइड होके गिर गया है यहाँ पर। ये देखो कितना ज़मीन धस गया है यहाँ पर, पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, पानी है ही नहीं ना, इस उसका जो प्रेशर है मिट्टी का, धस गया है पूरा ज़मीन, दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा ज़मीन धस गया है। बच सकते हैं मिट्टी यहाँ पर, यहाँ का जो मिट्टी है बहुत हार्ड है, वो भी धस गया है, क्योंकि पानी का लिया सट पड़ गया है ना, उस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है मिट्टी का जो प्रेशर है खिसक गया है। यही इतना ही पानी है और पानी है ही नहीं नदी में। यहाँ से देखो
कितना जमीन धस गया है, पूरा काट के नदी में आ गया है मिट्टी। बहुत दिक्कत हो रही है, पानी का क्लैश। यहाँ पर पानी है ही नहीं, पीने का पानी, खेत में देने का पानी, कोई पानी है ही नहीं। यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ ये देखो, सिर्फ यही पानी है, इसमें सबको काम चलाना पड़ेगा। हंसी आ रहा है लेकिन बहुत दुख हो रहा है। हालत में हंसी आ रहा है लेकिन हकीकत में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि खेत में देने के लिए कोई पानी है ही नहीं। यहाँ पर पंप भी काम नहीं कर रहा है, जितना भी पंप है खेत में माठ में यहाँ पर, वो भी नहीं काम कर रहा है। हालत में हंसी आ रहा है लेकिन क्या करें, बहुत दुख हो रहा है अंदर से। और यहाँ पर ज़मीन धस चुका है, ये देखो चारों तरफ देखो, बहुत दिक्कत हो गया है। ये देखो कितना ज़्यादा ज़मीन धस चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़मीन धस चुका है। ये देखो, चले जाओ नीचे तक, यहाँ पर भी देखो ना। हालत में हंसी आ रहा है मेरा। यहाँ पर थोड़ा सा चश्मा है पानी का, यहाँ से पानी आ रहा है, ये चश्मा से। हम लोग यहाँ पर झरना कहते हैं इसको। ये पानी जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ये जो डीप दिखाई दे रहा है ये गड्ढा, यहाँ से आ रहा है पानी और यहाँ तक जा रहा है। यहाँ ये देखो, यहाँ का हालत देखो कैसे हो गया है, ज़मीन पानी गिर रहा है। ये देखो पानी आ रहा है यहाँ से, ये देख रहा है, ये छोटू सा थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है। यहाँ का हालत बहुत खराब है, क्या करे। ये देखो रे कैसे हो गया ज़मीन, देखो देखा आप लोगों ने कैसे हो गया यहाँ का कंडीशन। बहुत हालत ख़राब हो गया है यहाँ का, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और टेम्परेचर बहुत हाई है। ओरे चलो चलो, धूप में बहुत मेरा भी हालत ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं साया में आया हूँ यहाँ जंगल में। यहाँ का पीछे देखो, पूरा जमीन सूख चुका है, जितना भी यहाँ का घास है, ठीक है घास बोले तो आगाछा है यहाँ का, वो भी सूख चुका है कि पानी है ही नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। अरे थोड़ा बारिश हो जाएगा तो फिर सबका भला हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है बारिश। कटो जितना भी पेड़ पौधा है, कट लो सब, फिर भी नहीं आएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, गाछ लगाओ प्राण बचाओ। हम लोग का ये बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली में कहते हैं गाछ लगाओ प्राण बचाओ। अरे पेड़ पौधा लगाओ, ट्री प्लांटेशन करो तो वेदर सही होगा, सबका भला हो जाएगा। नहीं, जितना भी जंगल है सब काट रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, लेकिन एक भी ट्री प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से सबका हालात ख़राब हो चुका है। नीचे पानी, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हो गया है। दिखा दे रहा है, सूख गया है पूरा, पानी है ही नहीं, ऐसे हो गया है पूरा, जितना भी यहाँ का फसल है ऐसे सूख गया है। नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हो गया, कैसे हो गया। या कोई फलन हुआ है, देखो कोई फलन है, सूख गया है, देखो पानी है ये ना, पानी की कमी की वजह से ऐसा हो गया है। पूरा जितना भी ज़मीन है देखो, पूरा रेत हो गया है और सूख गया है। यहाँ पर देखो फलन है, कैसे होगा। अभी ये वाला फसल 15-20 दिन बाद इसको काटना चाहिए था, लेकिन पानी है ही नहीं, पूरा मर चुका है। देखो फसल क्या हो गया है, इस वजह से जल्दी जल्दी इसको काटना पड़ेगा, लेकिन फलन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये जो मैं कौन का खेत आप लोगों को दिखाया हूँ, ठीक है, इसका काटने का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पानी का दिक्कत है, इस वजह से पूरा जितना भी कौन का खेत है मर चुका है, इस वजह से पहले ही उसको काटना पड़ेगा, लेकिन फलन नहीं होगा। जितना होना चाहिए था फलन उतना नहीं होगा।
आधा से आधा होगा फलन, जितना भी है 1 फुट बाग यहाँ इसका फलन होगा। थोड़ा दिन बाद ये जो धान दिखाई दे रहा है रेडी लैंड, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि पकने वाला है। देखो कैसे हो गए, ये पकने वाला है, थोड़ा दिन बाद ये पूरा कट जाएगा। तो देखा आप लोगों ने यहाँ का कंडीशन कैसा हो गया है, पानी का दिक्कत हो गया है, यहाँ पानी का कमी हो चुका है, वेदर बहुत हॉट हो चुका है, पानी है ही नहीं नदी में, पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पीने का पानी, खेत में देने के लिए पानी, क्योंकि यहाँ जो नदी है हम लोग का यहाँ का उसमें पानी है ही नहीं, इस वजह से खेत में देने के लिए पानी भी नहीं है, और जितना भी पाम है यहाँ उसमें पानी नहीं उठ रहा है क्योंकि लियार शॉर्ट हो चुका है यहाँ, इस वजह से दिक्कत हो चुका है। जितना भी ज़मीन दिखाई दे रहा है पूरा सूख चुका है पानी की कमी की वजह से, वेदर बहुत हॉट है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कौन सा वाला पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो 90% जो दिख रहा है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बताओ मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं मेरा सब्सक्राइब इंक्रीज हो रहा है, एंगेजमेंट इंक्रीज हो रहा है, मोटिवेशन बढ़ेगा ना मेरा, अंदर से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होगा। तो मोटिवेट बढ़ाइए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो गाइस ये वाला वीडियो यही तक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करके बताना कैसा लगा, और लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इधर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, यहाँ शेयर करना, चैनल का जरूर सब्सक्राइब करना, मेरा मोटिवेशन बढ़ाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत हालत ख़राब है, बाय।